हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हॉफस्टर कल्चरल डायमेंशंस ऑफ थ्योरी। अब इसमें हमारे ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सिक्स मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस में वन साइड आपने लिखना है एगेलिटेरियन, जो कि लो पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इम्ब्रेसिस हायरार्की, जो कि हाई पे आ जाएगा। पावर डिस्टेंस इंडेक्स इज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ हॉफस्टर कल्चर डायमेंशन थ्योरी। इट शोज द इनइक्वालिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स विथ पावर एंड विदाउट पावर। अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, लो और हाई। लो पे है अगैलिटेरियन। अगैलिटेरियन का मतलब होता है कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और इम्ब्रेसिस हायरार्की का मतलब आपको भी पता होगा कि रैंक्स और लेवल्स को लेके बात हो रही है, कि यहाँ पे डिफरेंट रैंक्स और डिफरेंट लेवल्स पे लोगों को डिवाइड किया गया होता है, जैसे वर्कर्स, फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर आ जाता है, देन मैनेजर आ जाता है, देन डायरेक्टर आ जाता है। ठीक है, एक हायरार्कियल बेस्ड यहाँ पे सेट होता है। और हाई पावर डिस्टेंस का क्या मतलब है कि एक अथॉरिटी सेट होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरी तरफ ही कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे एगेलिटेरियन वर्क होना चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट हो, डिसीजन मेकिंग में भी सबको इन्वॉल्व किया जाए। सिर्फ मीनिंग समझना है आपने कि एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। अब कलेक्टिविस्ट में आपने याद रखना है वी याद रखना है, और इंडिविजुअलिज्म में आपने आई याद रखना है। कि कलेक्टिविज्म में हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में सबके बारे में सोचते हैं, वर्कर्स के बारे में, टीम के बारे में, हेड के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है कि हम पर्सनल गोल, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं। हमें सिर्फ अपने काम को देखना है, हम दूसरों को नहीं देखते कि हम जो भी काम कर रहे हैं इसे हमें फायदा हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है। यहाँ पर हम खुद को इंपॉर्टेंस देंगे, और कलेक्टिविज्म में हम क्या करेंगे, सबके बारे में सोचेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। अब लो पे आ जाएगा कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी, यहाँ पे आ जाएगा ओपन टू चेंज। अब जो भी वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो क्या है, ओपन टू चेंज है। मतलब अगर उन्हें ऑन स्पॉट भी चेंजेस लानी पड़े, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लानी पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी चेंजेस लानी पड़े, वर्किंग पे, रूल्स पे, तो वो इजिली उसे अडॉप्ट कर लेंगे। वेयर एज अगर हम हाई पे बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अनकंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी, यहाँ पे लोग ओपन टू चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे वो क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे रूटीन वर्क को, कि जैसा जो चल रहा है, जो रूल्स बने हुए हैं, वैसे ही हम काम करें। देन नेक्स्ट है हमारे पास फेमिनिटी देन मस्कुलिनिटी। अब फेमिनिटी में आप याद रखोगे फीमेल को लेके बात हो रही है, या हम बोल सकते हैं वुमेनलीनेस को लेके बात हो रही है। और अगर हम मस्कुलिनिटी की बात करें तो यहाँ पे मैनहुड की बात हो रही है, उनके ट्रेड्स की, करेक्टरिस्टिक्स की, इन सब चीजों से उसे कंपेयर किया है। अब फेमिनिटी में क्या आ जाएगा, नर्चर इम्पॉर्टेंट, विच मीन्स कि फीमेल में क्या क्या ट्रेड्स होता है, फीमेल कैसी होती है, जैसे कि प्रोटेक्टिव होगी, टेकिंग केयर ऑफ, केयर करना, देन हम्बल होगी, स्वीट होगी, ये सारे किसमें ट्रेड्स आ जाएंगे फेमिनिटी में। देन मस्कुलिनिटी में मैनहुड की हम बात करें, पावर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर मैनहुड को किससे कंपेयर किया है, पावर के साथ। अब मैनली अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो वो क्या होंगे, स्ट्रांग होगा, बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, ठीक है, पावर भी इसमें आ जाएगा, यहाँ बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट भी हम बोल सकते हैं, ये सारे क्या है, मैनली ट्रेड्स हैं। यहाँ पे आपने कल्चरल डायमेंशन की जब बात हो रही होगी तो आपने याद रखना है कि ये मैनेजमेंट को लेके बात हो रही है और वर्कर्स को लेके बात हो रही है, कि एक तरफ लोग क्या सोचते हैं और दूसरी तरफ लोग क्या सोचते हैं। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। शॉर्ट टर्म में आ जाएगा ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग वर्क एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब हो गया, फुलफिलिंग सोशल ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, ठीक है, जो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, कि हमें एक ईयर में प्रॉफिट करना है, जो भी हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सोचते हैं या कोई भी काम करते हैं। वेयर एज लॉन्ग टर्म में क्या आ जाएगा, फ्यूचरिस्टिक एंड लॉन्ग टर्म। फ्यूचरिस्टिक क्या हो गया, फ्यूचर को लेके, जब हम फ्यूचर को लेके कोई भी काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा गोल अगर प्रॉफिट कमाने का वन ईयर है तो यहाँ पे क्या होगा, 10 ईयर्स होगा। हमें ऑन स्पॉट प्रॉफिट नहीं चाहिए, हम वेट करेंगे, पूरी एक प्लानिंग होगी, उसके बाद ही क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। और 10 ईयर्स क्या हो गया हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स में,
आ गया। द नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रेंट, जिसे हम कहेंगे रिजिड, इंडल्जेंट जिसे हम कहेंगे फ्रीडम। बस इन दो वर्ड से आपने इन दोनों वर्ड्स को याद रखना है। लो पे आ जाएगा नॉर्मेटिव रिप्रेशन और हाई पे आ जाएगा सेटिस्फेक्शन इज गुड। अब रिप्रेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, स्ट्रिक्ट रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वर्कर्स को एम्प्लॉयर्स को स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होंगे। और इसके साथ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी, एजुकेटेड पॉपुलेशन विद लोअर बर्थ रेट्स, लोअर बर्थ रेट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो, या अगर हम कोई भी जगह की बात करें वहां पे क्या है, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो हम तोड़ नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, स्ट्रिक्ट है। वेयर एज अगर हम इंडल्जेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, काफी फ्रीडम है। अब यही एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा एजुकेटेड पॉपुलेशन बट विद हायर बर्थ रेट, जिसमें हम इंडिया की भी बात कर सकते हैं। ये एज एन एग्जाम्पल है कि यहाँ पे क्या है, मोर फ्रीडम है। अब रिश्वतें तो अभी भी चलती हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट नहीं है। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोर फ्रीडम आर गिवन टू द वर्कर्स एंड देर आर क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है। तो ये है हमारा हाफ टर्म कल्चरल डायमेंशन थ्योरी। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।